subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। ये ईद का त्योहार है, सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। देश भर में आज पूरे धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जाता है। ईद के साथ ही अल्लाह की बरकत का महीना रमजान खत्म हो जाता है। नवी मुंबई के जामा मस्जिद में ईद आज बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। नेरुल के जामा मस्जिद के सामने आज सुबह ईद की नमाज पढ़ी गई। ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहा जाता है। आज के दिन लोग घरों में सेवैया, फिर खीर समेत कई बेहतरीन पकवान बनाते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। और भाईचारे के साथ लोगों ने गुलाब का फूल देकर सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। ये भारत देश है सर्वधर्म समभाव, सर्व जाति सर्व धर्म सर्व प्रांत लोकांना एकत्र घेऊन जाणे आमची संस्कृती आहे देशाची। आज मुसलमान समाजासाठी पवित्र दिन आहे, पूर्ण विश्वामध्ये पवित्र दिन आहे। हे निमित्त एक शांती संदेश म्हणून आम्ही काय वर्षापासून इथे लोकांना एक फूल देत असतो, म्हणजे एक प्रेम आणि शांतीचा एक संदेश आहे असं करत असतो। आपल्याकडे कुठले मतभेद नाही आहे, काय लोक मतभेद करतात, आम्ही वो करणार आम्ही हे करणार त्याच्यावर लक्ष न देता जसं देशाची प्रगती होईल, लोकांच्या गरिबांचे काम होईल, लोकांना कोण कामाला येणार याच्यासाठी काम करायचं। दुसरं कुठल्याही विषयावर लक्ष द्यायचं नाही। कोणी देश विभाजन करायला निघाले, कोणी जात पात नावाने देशाची सत्यानाश झाला, देशाची आर्थिक स्थिती पूर्ण सत्यानाश झालेले आहेत, हे त्याचा धंदा आहे। आपण धंदा नाही करत, आम्ही लोकांची सेवा करण्यासाठी आलेले आहे। AIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं पूरी नई मुंबई को, तमाम आलम इस्लाम को और पूरी नई मुंबई के मुसलमानों को और ख़ास करके नेरुल के मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आने वाला कल तमाम मुसलमानों के लिए खुशियों भरा निकले, ये मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नई मुंबई के मुसलमान और हिंदू भाई ये ईद का त्यौहार खुशियों के साथ मनाए, एक दूसरे से मिलजुल के मनाए। हिंदू लोग हमारे घर पे आए, सिरखुरमा खाए, हम उनके घर पे अक्षय तृतीया है, हम उनके घर पे जाएंगे, उनको भी हिंदू भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ अक्षय तृतीया की, हम भी उनके घर पर जाके उनको मुबारकबाद देंगे। तो हमारा यही है कि खास करके हमारे नई मुंबई के अंदर हिंदू मुस्लिम जो भाई लोग हैं वो हमेशा मिलजुल के रहते हैं। आज तक हमारे नई मुंबई में हिंदू मुस्लिम भाइयों का कभी भी कोई फसाद या कोई ऐसे एक दूसरे के इस पे नाम पे कभी हुआ नहीं है। और जो लोग नफरती चिंटू लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं उनको हम कहते हैं कि उन लोगों की हमारे ऐसी साजिशों को हम यहाँ के नई मुंबई के मुसलमान नाकाम करेंगे। जो आजकल भोंगे की राजनीति करते हैं उनकी भोंगे की राजनीति को हम ख़त्म कर देंगे यहाँ, क्योंकि नई मुंबई के हिंदू मुसलमान बहुत एक्टिव और जागरूक है। यही मैं तमाम हमारे हिंदू और मुसलमान इस दिन पूरी आदत हो चुकी थी, बॉडी को भी काफ़ी डिफरेंट सा फीलिंग होता है ऐसे, मतलब और थोड़ा अलग फील होता है, अच्छा लगता है, एक हैबिट आउट ऑफ हैबिट फील हो रहा है, बस थोड़ा अनहेल्दी लगता है बट आफ्टर वाइल हैबिट होता है। तो मतलब खाने का तो कुछ नहीं, प्यास काफ़ी लगती थी दोपहर के टाइम पे और धूप भी काफ़ी थी तो प्यास और खाना वाना मतलब अभी भूख वगैरह काफ़ी लगती थी, अभी नॉर्मल बैक टू रूटीन काफ़ी फीलिंग अलग है मतलब काफ़ी पहले से। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ईश्वर का शुक्र अदा करता हूँ कि दो साल जो रहा कोविड-19 का माहौल रहा और कोविड-19 के माहौल में हमने कोई भी जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया। फर्स्ट टाइम हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली दो साल के बाद, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी
कि नेरुल जामा मस्जिद जो नई मुंबई की सबसे बड़ी मस्जिद है उसमें हम ईद सेलिब्रेट करने आए, और मैं ईद की मुबारकबाद सारे देशवासियों को देता हूँ। और यहाँ पर संतोष शेट्टी साहब जो है वो बरसों से ये जो है एक मोहब्बत का पैगाम देते आ रहे हैं। इन्होंने हमेशा ईद के मौके पर बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए, ईद दिवाली मिलन भी किया इन्होंने, और ये जो फूल है ये प्यार का पैगाम देते हैं। हमारा एक ही मैसेज है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कि हम जो है सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं। सारे देश की खूबसूरती जो है वो हिंदुस्तान जो है फूलों का गुलदस्ता है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से चाहे कोई कितने भी आते जाते हैं, बरसों से आ रहे जा रहे अंग्रेज़ आए, हमने उनको भी पीस के मैसेज से हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। अब हम इंशाल्लाह, हमारे साथ ये खालिद इंद्र साहब भी खड़े हैं, इंशाल्लाह हमारा मैसेज पीस का रहेगा, आंदोलन का नहीं रहेगा, प्रोटेस्ट का नहीं रहेगा, वायलेंस का नहीं रहेगा। अगर वो हनुमान चालीसा करते हैं तो हम दावत देते कि आओ और करो, हम भी शरीक होंगे, हम वहाँ मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और शिरखुरमा बांटेंगे। इस तरह से हम उनको मैसेज देंगे और देश में शांति का माहौल, देश में जो है आर्थिक स्थिति पेंडेमिक है, आर्थिक स्थिति पे बात करना चाहिए, करप्शन पे बात करना चाहिए, एजुकेशन पे बात करना चाहिए। वो बात जीडीपी जो है वो बहुत नीचे आ गया है, उसका ग्राफ कैसा ऊपर आया उस पर बात आना करना चाहिए। पेट्रोल जो है इतना महंगा हो गया, वो सारे इश्यूज़ को बाहर रखने के लिए एक नए नए इश्यूज़ को नए नए नेता को प्रोजेक्ट किया जाता है या प्रोडक्ट करके पेश किया जाता है, तो ये सब जो है फंडा फेलियर होगा। देश के लोग जानते हैं कि एक साथ हम रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे, तभी हम विकास करेंगे। पंकज बेनवंशी के साथ सिद्धि कोंडे की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।